प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यंका जी। आज का टॉपिक है सत्संग की महिमा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे टूटी अपराध। सत्संग की महिमा अपरंपार है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग बहुत ही नसीब से मिला करता है, वो बहुत ही किस्मत वाले हुआ करते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में वो बैकुंठ में ना होए। तो संतों ने सत्संग की महिमा गाई है और कहा है कि सत्संग एक गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये गुरु का दरबार है, सदगुरु का आशीर्वाद सत्संग में जाने से ही मिलता है। सेवा सत्संग सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। निश्चित निष्काम भावना गुरमत की बुनियाद है, ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। सत्संग करने से मालिक का हर पलछिन एहसास जगे, श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। सुमरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे, चिंताओं से बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहे। गुरमत के सांचे में डलकर खुद को सुख पहुंचाना है, कई हर देव सेवा सत्संग सुमरण करते जाना है। निरंकार सतगुरु व संगत एक है लेकिन तीन है नाम, तीनों से मन जुड़ा रहे तो मिल जाता है सुख का धाम। यदि कोई बंदा सत्संग से दूर दूर हो जाता है, प्यार गुरु का उसके मन में कायम ना रह पाता है। प्यार और विश्वास गुरु का कम अगर हो जाएगा, निरंकार का ध्यान भी बंदा फिर कहां कर पाएगा। किसी एक को छोड़ेंगे तो तीनों छूट जाएंगे, कई हर देव भक्ति का फिर लाभ कहां ले पाएंगे। यदि सत्संग जी, सत्संग करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, संचार होता है, मन बहुत ही मजबूत बन जाता है, आत्मा खिली खिली रहती है, आत्मा को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। और जो सत्संग नहीं करते हैं तो उनका मन बहुत कमजोर हो जाता है, आत्मा कमजोर हो जाती है। और आत्मा जब परमात्मा को भूल जाती है, परमात्मा से बिछड़ती है, तो प्यारी सत्संग जी आत्मा को मिलती है अशांति, आत्मा फिर भटकन में आ जाती है। तो सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है, सत्संग ही आत्मा की खुराक है। सत्संग सेवा सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं, भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार हैं। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है, आने से विवेक के वो मन भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान सदा, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान सदा। सिमरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है, मन सुख पाता आत्मा भी नित आनंद मनाती है। सेवा सत्संग सिमरन से जो प्रेम से करते जाते हैं, कई हर देव सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। कि प्रेम से श्रद्धा समर्पण से जो सेवा सत्संग सिमरन करते हैं तो उनको ही ये भक्ति का आनंद मिलता है, जीवन में सुख बरसते हैं, रहमतें बरसती हैं, गुरु की कृपा निरंतर बरसती रहती है। तो सत्संग की महिमा को अपरंपार बताया गया है। सत्संग जो करते रहते हैं तो उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। सारी धरती कागज करूं, कलम करूं बनराय, सात समंदर की मसी करूं तो हरि गुण लिखा न जाए। कि हरि का गुण कोई गा नहीं सकता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता है, बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। तो ये हरि गुरु निरंकार सत्संग की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता है। बस हमने जितना ज्यादा हो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सेवा सिमरन करते हुए चले जाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है,
और सभी को परमात्मा के साथ जोड़ते हुए चले जाना है, स्वयं भी अपना कल्याण करना है। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा कि अपने कल्याण के साथ, क्योंकि भक्ति खुद के अन्न के लिए की जाती है। हम खाना खाएंगे, पानी पियेंगे तो हमारी ही भूख प्यास मिटने वाली है, तो भक्ति भी सत्संग भी हमें खुद के लिए करना है और अपने साथ साथ सबको जगाना है, प्रेरणा देना है, सत्संग कर लो भाई, सत्संग कर लो, सत्संग के साथ जोड़ना है, क्योंकि सत्संग की महिमा अपरंपार है। जो खुद भी सत्संग करते हैं और औरों को भी सत्संग कराते हैं, सबको सत्संग के साथ जोड़ते हैं, तो निरंकार प्रभु बहुत खुश होते हैं। तो आओ प्यारी साध संगत जी, हम सब सत्संग की महिमा को समझें और सबको समझाएं, बताएं, खुद का भी लोग सुखी और परलोक सुवेला करें और सारे संसार का भी भला करते हुए चले जाएं। प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यवाद।